प्रेम या पहेली चंद्रकांता, पर ये तो सच में पहेली बन गई है। अब देखिए ना, चंद्रकांता जो है वो वीरेंद्र को वापस मनुष्य बनाने में लगी है, लेकिन इस काम में कोई नहीं कर रहा उसकी मदद। अब क्या करेगी चंद्रकांता, चलिए नजर डालते हैं। सीरियल चंद्रकांता में आज राजकुमारी चंद्रकांता आ पहुंची है अपने प्यार की जिंदगी की भीख मांगने के लिए। आज परेशान चंद्रकांता पहुंची है बावनी के पास वीरेंद्र सिंह की जिंदगी की भीख मांगने के लिए, लेकिन प्यार में धोखा खा चुका बावनी नहीं है राजकुमारी की मदद करने के लिए तैयार। सब कुछ ट्राई कर लिया है इस शक्ति के साथ कि ये वीरेंद्र की मूर्ति को छोड़ दें या हमें वापस कर दें या उन्हें ठीक कर दें, बट उन्होंने प्यार में धोखा खाया है और इस वजह से जो कैरेक्टर है ये बावनी का, वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब एक पॉइंट होता है जब चंद्रकांता बिल्कुल हेल्पलेस फील करती है और वो फाइनली बोलती है कि तुम जानते ही नहीं हो सच्चा प्यार क्या होता है, अगर जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। इतना ही नहीं, बावनी राजकुमारी के हाथ से वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी छीन लेता है और उसे हवा में उछालने लगता है, जिसके बाद राजकुमारी बावनी को समझाने की कोशिश में लग जाती है ताकि वो वीरेंद्र सिंह की मूर्ति को वापस इंसान के रूप में ढाले। देखिए, बावनी चंद्रकांता की एक भी बात सुनने को नहीं है तैयार और वो अपनी जादुई शक्तियों से करता है सबको परेशान। चंद्रकांता जरा ये तो बताइए कि क्या बावनी को कन्विंस कर पाएंगी या फिर अपने इरादों में नाकामयाब हो जाएंगी। हर चीज ट्राई कर ली है, फिजिकली ट्राई कर लिया है मूर्ति को बचाना, इतनी डेंजरस जगहों से को क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँची है, सब कुछ कर चुकी है, सारे इम्तिहान एक तरह से वो दे चुकी है, बट अब बस देखना ये है कि ये कैरेक्टर जो कि बिल्कुल भी सिंपथी नहीं दिखा रहा है, जिसका दिल पिघल ही नहीं रहा है, वो फाइनली कैसे मानता है वीरेंद्र को मतलब ठीक करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रकांता को अपने वीरेंद्र को पाने के लिए किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है।